नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट विभा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी। ये फटाफट बनने वाली बिरयानी की रेसिपी है जिसे हम रेगुलर मील्स में भी यूज कर सकते हैं या फिर बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको दूंगी टिप्स हैदराबादी स्पाइसी बिरयानी बनाने के भी। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। वेजिटेबल बिरयानी बनाने के लिए हमने ली है ये छीली हुई मटर 150 ग्राम। दो बड़े साइज की शिमला मिर्च को हमने इस तरह से लंबे चौकोर से टुकड़ों में काट लिया है और 7-8 हमने मशरूम्स लिए हैं जिन्हें इस तरह स्लाइसेस में काटा है। आप इसे अपनी चॉइस से कैसे भी काट सकते हैं, सब्जी भी आप कोई और ले सकते हैं। इसके साथ हमने लिए हैं 2 स्टिक हरी प्याज के। अगर हरी प्याज नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल 2 प्याज बड़ी ले सकते हैं। 4 टमाटर, लहसुन की कलियां 6-7 और अदरक का टुकड़ा 1 इंच। तो इन सभी चीज़ों का टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएंगे और स्प्रिंग अनियन को फाइनली चॉप करेंगे। इसके साथ कुछ मसाले हैं और ये हैं धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच और दालचीनी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच कुटा हुआ। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए चावल पका लेंगे थोड़ा सा। तो हमने बासमती राइस लिया है, इस कटोरी से नाप के हमने 2 कटोरी चावल लिया है जिसे धोकर आधे घंटे रखा था मैंने। तो जितना हम चावल लेते हैं उसका डबल हमें पानी लेना है। तो इसी कटोरी से मैं 4 कटोरी पानी इस कुकर में डालूंगी और हाई फ्लेम पे चावल डालकर इसे हम 1 विसिल आने तक पकाएंगे, उसके बाद विसिल निकाल देंगे। तो ये चावल मैंने रख दिया है कुकर पे, गैस हाई कर दी है। जब तक चावल बन रहे हैं मसाले तैयार करते हैं, सब्जियां तैयार करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 4 चम्मच ऑयल डाला है, ये अच्छा गर्म हो गया है तो इसमें दालचीनी पाउडर डाल देते हैं। दालचीनी पाउडर तुरंत भुन गया है तो अब हम इसमें हरा प्याज डालेंगे जिसे इस तरह से हमने थोड़े मोटे टुकड़ों में काट लिया था और इसे हम अब हल्का सा भूनेंगे 1.5 से 2 मिनट तक। इसको बिल्कुल लाल नहीं करना है तो इसे भून लेते हैं। हरा प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल प्याज 2 बड़े साइज के यूज कर लें। ये देखिए थोड़ा सा ये भून गया है तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। अब हम इसमें ये टोमेटो प्योरी जो हमने टमाटर अदरक और लहसुन से घर पे तैयार की है डाल देंगे और इसको बिल्कुल ऑयल अलग होने तक भून लेंगे। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनना है। तो जब तक मसाला भुन रहा था हम कुकर चेक कर लेते हैं। 1 विसिल आ गई थी, मैंने प्रेशर निकाल दिया है, अब हम कुकर को खोल लेंगे। ये मैंने ढक्कन हटा दिया है, चावल पक चुके हैं पर ये थोड़ा थोड़ा सा अभी इसमें कसर बाकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास पानी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो पानी से धुल कर निकल जाए। हमने चावल में कुछ भी नहीं डाला था, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल सकते हैं। तो मैंने चावल का पानी निकाल के इसे अलग कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया खिला हुआ चावल मिल गया है हमें और ये मसाले भी भून के तैयार हो गए हैं। टमाटर से तेल बिल्कुल अलग हो रहा है तो अब ये सूखे मसाले इसमें डालेंगे। अगर आप बनाना चाहते हैं स्पाइसी हैदराबादी बिरयानी तो इसमें पहले खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें होगा लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी, इसके साथ में तेज पत्ता। उसको फ्राई करने के बाद हम ये मसाले डालेंगे, प्याज डालेंगे और जब ये सूखे मसाले ऐड करेंगे तो हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सब्जी मसाला और 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर। साथ में हम लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो बिरयानी बनके तैयार होगी वो बिल्कुल स्पाइसी और टेस्टी बिरयानी होगी। ये भी टेस्टी बनेगी, ये रेगुलर बिरयानी है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैंने नहीं डाले हैं। यहाँ सब्जियों में अगर आप सिर्फ मशरूम और मटर भी यूज करेंगे तो ये बहुत अच्छी बनेगी। मशरूम की बिरयानी बहुत ही लाजवाब होती है। तो ये देखिए सब्जियों को मैंने थोड़ी देर तक फ्राई कर लिया है, इसके बाद हम इसको ढक करके पकाएंगे। तो हम ढक कर इसको लो से मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए सब्जियां पक गई हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं पकाना है, मतलब कि ये ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। अभी हम इसको थोड़ा और पकाएंगे। तो अब हमने गैस बंद कर दी है और धनिया की पत्ती इसमें ऐड कर दी है। अब हम सब्जी को साइड में रखेंगे और बिरयानी बनाना शुरू करेंगे। तो
तो हमने कुकर ले लिया है। कुकर में मैंने एक चम्मच घी डाला है, ये देखिए। इसको पिघलने देंगे जिससे नीचे चावल चिपके नहीं, इसलिए हम ये डाल रहे हैं। आप इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं अच्छे फ्लेवर के लिए। तो हमने घी को थोड़ा सा नीचे फैला दिया है। अब हम इसमें सबसे नीचे चावल की एक लेयर डालेंगे, ये देखिए। इस तरह से हम फैलाएंगे। चावल देखिए कितने खिले खिले से बिखरे हुए से हैं, इनका कलर भी कितना अच्छा आ गया है। तो ये चावल की लेयर हमने नीचे लगा दी है। इसके ऊपर से हम सब्जियों की एक लेयर डालेंगे। देखिए सब्जियां कितनी अच्छी दिख रही हैं। तो मशरूम्स आप अगर ज्यादा डालेंगे तो वो और भी ज्यादा टेस्टी बिरयानी बनके तैयार होगी। या फिर आप शिमला मिर्च की जगह कोई और सब्जी लेना चाहते हैं, आप इसमें गोभी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी फटाफट बनने वाली टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज मैंने दी हुई है मेरे चैनल पे, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो सब्जी की लेयर के ऊपर से हमने डाल दी चावल की एक और लेयर, उसके ऊपर से सब्जी की एक और लेयर डालेंगे। अब इस पे एक बार और हम सब्जियों की लेयर डालेंगे। इस तरह से हमें 3 लेयर सब्जियों की और 4 लेयर चावल की इसमें लगानी है। आप ये कम ज्यादा कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 लेयर डाल सकते हैं। और ये हमारी लेयर्स लग गई हैं। तो अब इसके ऊपर से हमने आधी कटोरी पानी डाला है जिससे ये चावल अच्छे से पक जाए। ये अच्छी तरह से नहीं पक पाए थे, हमने प्रेशर तुरंत निकाल दिया था। तो अब हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। बीच में हम चेक कर लेंगे कि चावल पक गए या नहीं। तो ये देखिए 7 मिनट हो चुके हैं, ये चावल हमारे पक के बिल्कुल तैयार हैं। तो मतलब ये बिरयानी हमारी वेजिटेबल बिरयानी बन के तैयार है। इसे हम सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया खिले खिले चावलों वाली बिरयानी हमारी बन के तैयार हो गई है। चावल भी देखिए इसके बिल्कुल मोती की तरह चमक रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बिरयानी है और झटपट बन जाती है। तो आप कभी भी कुछ आपका अलग खाने का मन हो या बच्चों को टिफिन में कुछ अलग ले जाने का मन हो तो ये बिरयानी उन्हें बना के दे सकते हैं। तो चलिए आप इसे जरूर ट्राई करिए और ट्राई करने के साथ अपने व्यूज मेरे साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। टिल देन बाय बाय।